सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है शहजाद फैमिली व्लॉग में। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। सो गाइस, इन लोग आज मेरे साथ व्लॉग स्टार्ट किए। ये है हमारा अरहम, और इसको तो आप जानते ही होंगे, ये भी मेरी भाभी का बेटा है। जो रिदान आता है उसका छोटा भाई है ये। सो गाइस, हमारी मॉर्निंग वगैरह सब हो गई है, और काम वाम तो सब हो ही चुका है। अभी शाम के बज रहे हैं, शाम के नहीं सॉरी, एक्चुअली रात के बज रहे हैं, पौने नौ हो रहा है। और अम्मी बोले कि आज मुझे कुछ रेसिपी देना है, तो हम लोग जब डोंगर पे गए थे तो हम लोगों ने वहाँ से लॉलीपॉप वगैरह, अरे 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 अरे, लॉलीपॉप सब अम्मी ने लेकर आए थे। मैंने आप लोग को दिखाई भी थी वो व्लॉग में। सो अम्मी ने बोले थे कि मैं उसकी रेसिपी दूंगी, तो फाइनली अम्मी उसकी रेसिपी दे रहे हैं। सो आगे वो रेसिपी क्या है, देखो पूरा फोन गिरा हिला दे रहे लोग, तो आगे वो रेसिपी क्या है, कैसी है, क्या क्या उसमें सामान लगेगा, वो सब आगे अम्मी आप लोगों को आगे बताएं। गाइस, यहाँ पर सब हमारा सामान रेडी हो चुका है, एंड यहाँ पर है अम्मी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? तो वेलकम हो गए सैदा फैमिली ब्लॉग में। तो आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ मुस्कान? आज तुम बना रहे क्या? मैं बना रही मतलब मैं इसको बोल रही हूँ चिकन लॉलीपॉप, फ्राई चिकन लॉलीपॉप, फ्राई चिकन लॉलीपॉप बनाने जा रही हूँ। गाइस, तो मैं किस तरीके से बनाती चाहिए आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरी रेसिपी में क्या क्या लगेगा वही बताती हूँ। मैं गई थी, आप लोगों को तो पता है ना, आप लोग ने कल का ब्लॉग देखेंगे, मैं डोंगर से लेकर आई थी सब लॉलीपॉप। तो ये कितने के ये भी मुझे मालूम नहीं है, जितने आप लोगों को तलना है आप लोग उतने लेना है। गाइस, अम्मी को प्रॉपर लॉलीपॉप बोलने नहीं आता है, तो आप लोग 19 बिग समझ लेना। हाँ, तो देखिए मैंने ऐसे छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे मिले, अभी देने के लिए लोग इतना रो रहे थे मेरे को। तो मैंने जैसे मिले मैंने वैसे लेकर आई छोटे छोटे। तो चलिए गाइस, मैंने अच्छे से इसको धो के साफ करके रखी, उसमें कुछ मसाले भी ऐड करूंगी, जैसे कि 2 चम्मच कॉर्नफ्लेक है, 2 चम्मच मैदा है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 नींबू है, एक सेजन चटनी ली है। सेजन चटनी तो पूरी नहीं डालना इसमें, तो खाली 1 ही चम्मच डालना है, मैंने ऐसे ही रख दी उसको, इसमें से 1 चम्मच डालना है सेजन चटनी। एक अंडा लेना है, ये सूखे गरम मसाले हमारे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये चिकन फ्राई मसाला है, चिकन को जो फ्राई करते हैं ना, फिर वो मसाला है, दुकान में मिलता है वो, 1 चम्मच लेना है। नमक, और ये कलर लेना है, जो हमको कलर वाला चाहिए ना, ये डिब्बी मिलती है, ये डिब्बी में का थोड़ा सा कलर लेना, क्योंकि हमको ये अपनी मिर्ची, ये कलर वाली मिर्ची है, कलर वाली है। हाँ, तो ये क्या बोलते हैं, विनेगर है गाइस। हाँ, ये एंड ये रहा अपना रेड चिल्ली सॉस, और ये रहा सोया सॉस। हाँ, और ये जो अंडा है वो बॉईल किया हुआ है, कच्चा अंडा है। अच्छा, कच्चा अंडा है क्या? हाँ, मेरे को लगा बॉईल किया हुआ है, क्योंकि ये ना गाइस हम बार बार हाथ लगा रहा था, है ना। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें सब क्या क्या मसाले लगेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ना? तो देखो कैसा बैठा है, लोगों से इतना डर लग रहा है ना, कहाँ गाइस, हम लोग के घर में जल्दी आता नहीं है, और आज देखो कैसे बैठा है अभी। तो हमें हमारे सूखे गरम मसाले पूरे ऐड करेंगे इसमें। मैं नीचे ही बैठ ली, मैंने पूरा सामान ली, किचन हमारा इतना छोटा है ना कि सामान रखने के लिए नहीं होता है, तो मैंने सारा चीज नीचे ही निकाल कर ले ली। तो हम सूखे मसाले इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही में कॉर्नफ्लेक और ये मैदा, है ना, मैदे का आटा, तो इसको निकाल ऐड कर देंगे। साथ में हम एक नींबू का रस लिए है, और 1 चम्मच ही लूंगी मैं ये सेजन चटनी, है ना, सेजन चटनी डालेंगे 1 चम्मच। ये देखो इसको क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, अंडा, अंडा, कच्चा अंडा, तो अंडे को देख के भाग रहा, अंडा हो ना। और साथ में ये काला सोया सॉस, देखिए मैंने 1 चम्मच ली हूँ, छोटा छोटा चम्मच से 1 चम्मच डालेंगे, इसको भी साइड में रख देती हूँ, ये सब इसमें निकाले नहीं। 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच विनेगर स्वाद अनुसार, 1 चम्मच स्वाद अनुसार, है ना। आइए रेड चिल्ली सॉस, कितनी अच्छी बात आ रही है कि खुशबू आती है। हाँ, खुशबू। हाँ हाँ, सवाल के चल सकता है, इतना कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, भर के मतलब डाल। हाँ, साथ ही में हम डाल देंगे एक अंडा। गैस, कच्चा अंडा मेरे को लगा बॉईल करा हुआ है, क्योंकि ये भाग रहा था ना, तो मेरे को लगा उबाला हुआ अंडा ये, बट ये तो कच्चा है। धीरे से देखो, है, देखो। इसको कचरा वचरा ना आए इसके अंदर ना, तोड़ के। क्या देख रहा है? हाँ? क्या हो गया? अरे बाप रे, मतलब उसको अच्छा लग रहा है, क्या डाल दी उसके। हाँ, कर रहा है। तो चलिए अभी सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे, मसाला हमारा चिकन में अच्छे से लगाएंगे, यानी लॉलीपॉप में लगाएंगे, है ना। तो चलिए अभी आराम से मिला लेती, मिक्स कर लेती हूँ। हाँ। क्या हो रहा है?
क्या हुआ? काला 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 हो जाएगा पूरा, बोल रही है। काला अरे हम क्या हो रहा, क्या कर रहे दादी? हाँ गाइस, मेरी बैकग्राउंड में इग्नोर करो, मेरी और कुछ मत करो। बैकग्राउंड में बैठी उसको इग्नोर करो। अरे क्या कर रहे दादी माँ? गाइस आज तो हमारी मजे दोपहर में मैंने दाल बनाई थी और चावल भी अम्मी ने बना दिए, दाल चावल है मस्त, लॉलीपॉप फ्राई खाएगा, मेरे को तो बहुत पसंद है। मेरे को तो मजा आती है चिकन की, तो मैं फैन हूँ, बहुत शौक से खाती हूँ मैं लॉलीपॉप भी वगैरह सब। मजे से बनाओ, मजे से खाओ, एकदम टेस्टी। तो अब इसको मिला के रखना पड़ेगा अम्मी मसाले को। हाँ, अभी मैं मिला के उसको 10 मिनट तक रखूंगी, फिर उसको फ्राई करूंगी। तो चलिए पहले अच्छे से पहले मिक्स करके ले लेती हूँ, फिर आप लोगों से। देखिए मैंने सारी चीजों को अच्छे से मस्त मसाले में चिकन में लगा के ले ली, आप लोग देख सकते है ना, लॉलीपॉप में पूरे मसाले लग गए है। तो अब इसको हम 10 से 15 मिनट हम इसको रख देंगे। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप आधा एक घंटा भी रख सकते है, उतना मसाला रखेंगे उतना ये अच्छा फ्राई है, मतलब चिकन में अच्छे से मसाला ही हो जाता है। तो चलिए अभी हम इसको 10 से 15 मिनट रखेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। और गाइस ये बैकग्राउंड आवाज लोग को आप थोड़ा सा इग्नोर करो, आज वो आया है ना तो बहुत मस्ती कर रहा है। तो चलिए गाइस जब मम्मी फ्राई करेंगे तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 10 से 15 मिनट हमारा हो गया, मैंने उसको निकाल ली, मैंने उसको ना फ्रिज में रखी थी 15 मिनट के लिए। तो मैं इसको मिक्स करने लग गई, थोड़े से मैंने इसमें कड़ी पत्ते भी ली, तो इसको लास्ट में डालना है। 3-4 कड़ी पत्ते को मैंने बारीक बारीक तोड़ ली, तो इससे ज़्यादा सा और अच्छा इसमें टेस्ट हो जाएगा। तो मिक्स कर लेंगे इसको हम लोग अच्छे से। तो तेल भी मैंने गरम करने रखी हूँ, ये मैंने 1/2 किलो तेल ली हूँ फ्राई करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर है। तब इसको हम आराम से इसको फ्राई कर दे, तेल पहले गरम कर लेंगे। गरम हो गया ना? हाँ, एकदम फास्ट में नहीं डालेंगे, गैस स्लो रख के ही डालना है। पहले फास्ट तेल गरम कर लेना, फिर गैस स्लो कर लेना। तब हम आराम से इसमें एक एक करके डालेंगे, एक एक करके। हाँ देखिए मैंने 3-4 मैंने डाल दी इसके अंदर, जितने अपने इसमें आएंगे कप में लॉलीपॉप आएंगे उतने हम फ्राई करने डालेंगे। तब उसको हम 5 मिनट तक उसको पकने देंगे, जब लाल होना चाहिए ना हमारा, एक साइड से लाल होना चाहिए, बाद में इसको हम पलटाएंगे। हमारा हो गया, अब इसको हम पलट लेंगे। हाँ आराम से मैं चाकू की मदद से मैं इसको पलटा ले रही हूँ, देखिए ऐसा कितना कैसा कलर आया है, वैसा कलर आना चाहिए। तो मैं इसको पलटा लेती हूँ आराम से। गैस फास्ट रहता है, मतलब तेल गरम हो जाता है ना तो एकदम फटफट हो जाता है, टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। तेल गरम कर देने का, उसके बाद गैस फिर स्लो कर देने का, ताकि हमारे जो लॉलीपॉप है वो जले ना। बस अब इसको अभी हम लाल कर लेते हैं। वन साइड देख सकते आप लोग पूरा लाल हो गया, अभी सिर्फ ये साइड से कर। माशाल्लाह अभी लाल हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं आराम से। गाइस खुशबू तो इतनी औसम आ रही है, मैं आप लोगों को क्या है बताओ। माशाल्लाह कितने अच्छे निकले हैं ना लॉलीपॉप। इसको आराम से एक बर्तन में निकाल लेते हैं, जैसे एकदम रहता है ना राइस वाले लोग के पास रहता है, सेम वैसी है गाइस एकदम। खाने में भी बहुत अच्छे लगते है, घर का बना हुआ बेस्ट रहता है, बाहर का भी रहता है तो घर का भी अच्छा रहता है। तो उसको आराम से एक एक करके आराम से निकालना है, ताकि तेल के छीटे वीटे आँख पे ना उड़े आप लोगों के। एक एक करके इसको निकाल लेती हूँ। ए गाइस देखिए मेरा चिकन लॉलीपॉप बनके हो गया तैयार, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छे से बनाई हूँ मैंने ना। इसको हम लोग ने अच्छे से सजाए भी है, देखिए मैंने कितना अच्छे से सजाई हूँ। लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसा लगा चिकन लॉलीपॉप, चिकन फ्राई लॉलीपॉप है ना। तो आप लोग भी जरूर बना के खाइए और ट्राई कीजिए आप लोग जैसे ही। हाँ, तो फिलहाल ट्राई कराओ इधर। तो देखिए अभी इसके गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जस्ट अभी घर पे आया तो देखा यहाँ पे घर पे चिकन लॉलीपॉप हलों ने आज बनाई है, तो चलिए तो बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। तो अभी इनको भी ट्राई कराते हैं, खाने में भी अच्छा है, मैंने थोड़ी सी पपड़ी खाई। चलिए खाऊंगा, खाना खाने के बाद खाऊंगा। खाने में दाल चावल और चिकन, खाना खाने के बाद मैंने अभी नहीं, एक खाना खाने के टाइम खाऊंगा फिर आपको मैं बताता हूँ कैसा लगा रही। खाना खाने के साथ मजा आएगा ना ज्यादा, इसीलिए में से कितना स्टार देना चाहिए तभी बताता हूँ। मिलते हैं खाना 10 में से, 5 में से क्यों, 5 में से 10 में से 10 ज्यादा हो जाता है। अरे बाप रे, 5 में से 5 देंगे, 10 में से 10 देना चाहिए ना, आप लोग बताइए ठीक है कितना मार्क्स देना चाहिए, रेट बताना गाइस आप लोग, 10/10 देना चाहिए कितना, 5 दे दीजिए, मैं कितना 5 में से कितना देना चाहिए वो मैं बोल रहा हूँ। गाइस आप लोग बताना कितना नंबर देना चाहिए आप लोग, 10 में से बताना गाइस, 7 देना चाहिए, 8 देना चाहिए। तो
तो देखिए गाइस, चलिए आप लोग भी जरूर ऐसे ही रेसिपी ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे ही जरूर बना के खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। यस, तो चलिए गाइस मिलते हैं खाना खाने के टाइम के मौके पर। लॉलीपॉप बनाएंगे, हम तो भूल ही गए थे, 26 जनवरी है ना, दिमाग था चला गया दिन चला गया। तो चलिए पड़िए गाइस, टेस्ट कर लो, तो आप पे मारा भी टेस्ट कर लो। मोहरा कैसा बना? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, खतरनाक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, एक नंबर का होटल का भी फेल है। चलो अच्छा, तू क्या कर रहा है? ए तू क्या कर रहा है? तू नहीं खा रहा है? ये नहीं खा रहा। गाइस हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, एंड ये रहा हमारा दाल चावल। गाइस दोपहर में बनाई थी मैंने दाल, अच्छी बनी थी ना अम्मी दाल? मस्त बनी थी। तो ये हमारा दाल चावल, क्या ये क्या कर रहा है? कड़क देख के चिकन लॉलीपॉप, अरे 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 कैसा कर रहा है? अम्मी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कभी खाया नहीं है। नींबू डाल के मस्त दाल चावल के साथ ही मजा आता है। हाँ असली मजा उसी में ही है। नाइस, मस्त है ना। स्वान तू भी एक बार जरा चख ले हल्का सा, बता जरा तेरा भी रिव्यू दे दे, मस्त है, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा? अरे 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 मुंह इतने क्या एक्सप्रेशन दे रहा है? अच्छा बना है ना, माशाल्लाह मस्त। चलिए गाइस ऐसे ही सेम ट्राई करनी, ट्राई करना। चलिए गाइस मिलते हैं खाना खाने के बाद, खाना खाने के लिए। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का खाना हो गया, खाना खा लिया, बिस्तर लगा लिया, बस जा रहे हैं अब सोने के लिए। सो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, एंड आप लोग भी चिकन फ्राई लॉलीपॉप की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। सो गाइस अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, love you all. Oh, let me up with a bright smile on now, put me in the dark, so won't get lost now, to the moonlight eyes, you are real right now.